भी खेल बिगाड़ रहे हैं। कैसे होंगे चुनाव, कहां कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में दो चरणों में होने वाले मतदान को लेकर सूबे में सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों का ध्यान मिशन 25 पर है। इधर चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कमर कस ली है। प्रदेश की सभी सीटों पर कैंडिडेट की तस्वीर साफ हो गई है। केवल जयपुर ऐसी सीट है जहां उम्मीदवारों की संख्या 15 से ज्यादा है। ऐसे में यहां हर बूथ पर दो ईवीएम मशीनें लगानी होगी। राजस्थान में 29 अप्रैल और 6 मई को दो चरणों में वोटिंग होगी। दोनों चरणों में कुल 249 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा जयपुर शहर लोकसभा सीट पर 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं सबसे कम भीलवाड़ा में 4 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। एक ईवीएम मशीन में 15 नाम ही हो सकते हैं। ऐसे में जयपुर लोकसभा क्षेत्र में हर बूथ पर दो ईवीएम लगेगी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 400 नई यूनिट की मांग की है। अब अलवर से 400 यूनिट जयपुर भेजी जाएगी। आयोग के नियमों के मुताबिक हर जिले में 15% एक्स्ट्रा मशीनें रखी जाती हैं, ताकि कहीं मशीन खराब होने पर तुरंत दूसरी मशीन भेजी जा सके। पहले चरण में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान की अगर बात करें तो 29 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन 13 सीटों पर 115 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। अजमेर में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं बांसवाड़ा में 5, बाड़मेर में 7, भीलवाड़ा में 4, चित्तौड़गढ़ में 10, जालोर में 15, झालावाड़ में 7, जोधपुर में 10, कोटा में 15, पाली में 8 और राजसमंद में 10, टोंक सवाई माधोपुर में 8 और उदयपुर में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन 13 सीटों पर मतदान के लिए 28,182 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं दूसरे चरण में प्रदेश की 12 सीटों पर 6 मई को वोटिंग होगी। इसमें 2,30,000 वोटर 134 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। इसमें श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीकानेर में 9, चूरू, झुंझुनू और सीकर में 12-12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं जयपुर ग्रामीण में 8, जयपुर शहर में 24, अलवर में 11, भरतपुर में 8, करौली धौलपुर सीट पर 5, दौसा सीट पर 11 और नागौर सीट से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। 25 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन किसकी किस्मत का सितारा बुलंद होगा ये तो 23 मई को आने वाले परिणामों से ही पता चलेगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।